हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं स्ट्रेट लाइंस क्लास 11 मैथ्स हमेशा की तरह हम खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे खुद से एग्जैक्टली exactly. तो हमारा आज का एजेंडा क्या है मेजरली हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एक तो स्लोप ऑफ अ लाइन उसे हम कैसे निकालते हैं वो क्या होता है वगैरह वगैरह और दूसरा है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम अलग अलग सिचुएशन में कैसे लिखते हैं ठीक है सो दैट्स गोइंग टू बी आवर एजेंडा तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हाँ, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म और फिलहाल चल रहा है हमारा क्लास इलेवेंथ मैथ्स वन शॉर्ट वीडियोस का ये सीरीज और मेरे जो भी स्टूडेंट्स इस सीरीज को देख रहे हैं उन सभी को मैथ्स में डर बिल्कुल नहीं लगेगा और वो हो जाएंगे मैथ्स में सुपर कॉन्फिडेंट तो आर यू ऑल रेडी लेट्स गेट स्टार्टेड 10th क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम्म तो ये जो लेसन है आप कह सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक्सटेंशन है क्योंकि वो हमारा बेसिक्स था उनके हेल्प से ही हम अब आगे थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे तो जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से याद है बहुत बढ़िया जिन्हें याद नहीं है कोई बात नहीं क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा क्यूट सा रिकैप हालांकि रिकैप में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगी मैं सिर्फ उन चीजों को डिस्कस करूंगी जो हमें इस लेसन को समझने के लिए काम आएंगे ठीक है सो चलो शुरू करते हैं रिकैप तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम हर कुछ बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स के टर्म में अगर मैं कहती हूं कि एक पॉइंट p है तो उस P point की पहचान होती है उसकी कोऑर्डिनेट्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट पी को हम हमेशा कैसे पहचानते हैं एक्स कॉमा वाई से राइट right? तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला की डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये हमें एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि अगर हमारे पास दो गिवन पॉइंट्स हैं तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा और हमारे पास गिवन क्या होगा इन दोनों गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तो लेट अस सपोज एक पॉइंट है p जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 दूसरा पॉइंट है q जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 तो p और q के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी √ (x2 x1)² (y2 y1)² अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो एक भारी भरकम फॉर्मूला बता दिया ऑब्वियसली क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हर प्रॉब्लम में हम डिराइव तो नहीं कर सकते हैं राइट तो इसीलिए जब हम इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ दो चार फॉर्मूलेज होंगे जो हमें पता होने चाहिए एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कि इन फॉर्मूले को हम कैसे कैसे सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करते हैं ठीक है थीके? तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फटाफट फड़ से दो मिनट स्पेंड करेंगे और देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये आया कहां से था हालांकि ये टेंथ में आपने पढ़ रखा है बट मैं स्टिल एक बार बताती हूं ताकि दिमाग जो है वो एक बार खुल जाए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कहां से हो रही थी है ना तो चलो फटाफट फड़ से देखते हैं कहां से आया ये फॉर्मूला है ना तो मान लेते हैं कि पी और क्यू ये मेरा दो पॉइंट है ठीक है अब इनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो खैर हमें दिख रहे हैं इस ग्राफ पेपर से बट जस्ट टू शो यू कि हम इसे कहाँ से डिराइव किए थे लेट अस सपोज पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 ठीक है ग्रेट तो p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस जो है दैट इज x1 और ये वाला डिस्टेंस जो है वाई कोऑर्डिनेट में दैट इज वाई वन ठीक है सिमिलरली क्यू अगर एक्स टू वाई टू है इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट का ये वाला डिस्टेंस है दैट इज एक्स टू और वाई कोऑर्डिनेट का ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज वाई टू यही मतलब है इसका कोई डाउट नहीं है बढ़िया है अच्छा अब हमें निकालना क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ठीक है अब थोड़ा सा फोकस करो देखो ये ब्लू लाइन ये रेड लाइन और ये वाली लाइन ये तीनों मिला के क्या बना रही है ये तीनों मिला के बना रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल तो अगर हम इस पॉइंट को आर कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ट्रैंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रैंगल है ना भाई तो राइट एंगल ट्रैंगल में हम क्या लगा सकते हैं हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम ठीक है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना यही तो कहता है ये अब P -Q हमें निकालना है, P -R की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन तो इसे हम लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर तो यहां से हमें क्या पता चला जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वो क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर है कि नहीं हो गया तो ये छोटी सी चीज थी तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ते थे टेंथ क्लास में तो हम इसी तरीके से ग्राफ में देख करके और इसी लॉजिक से बेसिकली सारे फॉर्मूले को डिराइव करते थे ठीक है चलो ये बस एक बार आपको याद दिलाने के लिए मैंने बताया तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है अगर देखें यहां पर तो ये टू कॉमा टू है ना और यहां पर क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है फोर कॉमा फाइव ठीक है तो मतलब एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू हमको पता है तो यहां पर पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर सिंपल ठीक है अब अगला कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला यह कहता है कि अगर हमारे पास एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है P और Q P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 ठीक है अब हम कहते हैं कि एक तीसरा पॉइंट आ टपका है जो इस लाइन पी क्यू को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड करता है ठीक है समझ आई बात एक लाइन है एक तीसरा पॉइंट कहीं से आ टपका और ये इस पूरे लाइन को M इज टू एन रेशियो में डिवाइड करता है अब मैं पूछती हूं कि ये जो तीसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो यहां हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला तो ये जो तीसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एनएक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे इस तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ठीक है अब इसे हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डेरिवेशन हमने ऑलरेडी क्लास टेंथ में पढ़ रखी है ठीक है अच्छा अब यहां पर एक स्पेशल केस आ सकता है मान लो मैं कहती हूं कि ये जो तीसरा पॉइंट है ना वो इस लाइन को एग्जैक्टली exactly दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ ये जो एम एज टू एन की हम बात कर रहे थे दैट इज एक्चुअली वन इज टू वन क्योंकि ये जो तीसरा पॉइंट है उसके इस तरफ और उसके इस तरफ दोनों इक्वल है लेंथ में राइट क्योंकि ये इक्वली डिवाइड कर रहा है लाइन को तो इसका क्या मतलब हुआ कि एम की वैल्यू भी आप वन पुट कर दो और एन की वैल्यू भी आप वन पुट कर दो तो अब आपका तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू सिंपल राइट तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला अब बात करेंगे तीसरे कॉन्सेप्ट की जो कि है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों जैसे कि मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है उसके जो तीन वर्टिसेस है पी क्यू आर उनके कोर्डिनेट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री ठीक है X1, Y1, X2, Y2, X3, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले से तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू देखो कितना मस्त वाला पैटर्न है इस फॉर्मूले में भी जब हमने एक्स वन लिया तो हमने वाई के जो दोनों टर्म्स हैं वो क्या लिए वाई टू वाई थ्री जब हमने एक्स टू लिया तो हमने वाई के कौन से टर्म्स लिए वाई थ्री वाई वन जब हमने एक्स थ्री लिया तो हमने वाई के कौन से लिए वाई वन वाई टू तो एक मस्त वाला पैटर्न है जिससे आप आसानी से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो राइट right? so, इसके भी हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे बट बच्चों यही था हमारा टेंथ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिकैप क्योंकि ये जो तीन रिकॉर्ड मैंने बताए ये आपको पता होने चाहिए बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विथ स्ट्रेट लाइन लेकिन इससे पहले कि हम स्लोप ऑफ द लाइन पे एक क्वेश्चन है आपके लिए जस्ट टू तो एंश्योर कि ये जो क्विक था ये इफेक्टिव था या नहीं तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू वेन पी क्यू इज पैरल टू द वाई एक्सेस एंड पी क्यू इज पैरल टू द एक्स एक्सेस ठीक है तो मतलब अगर कुछ यू एक बहुत ही टेढ़ा सा लाइन बना है बट कोई बात नहीं ठीक है, है ये मेरा एक्स और वाई एक्सेस है मान लेते हैं ठीक है ना ये एक्स है ये वाई है ठीक है अब हमें क्या कहा जा रहा है कि भाई पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं सच दैट पहला कंडीशन है कि पी क्यू इज पैरल टू वाई एक्सेस तो ये रहा अपना वाई एक्सेस वर्टिकल वाला तो मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से है मेरा पी क्यू ठीक है X1, Y1, और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू ठीक है X2, हमें क्या निकालना है ये पी क्यू डिस्टेंस को निकालना है ठीक है तो हम कैसे निकालते हैं पी क्यू डिस्टेंस अभी तो देखा डिस्टेंस फॉर्मूला राइट तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए एक्स टू माइनस एक्स वन का होल टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और इसका रूट ओवर है ना तो यहां पर जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी थोड़ा सा सोच के देखो चूंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है राइट right? तो जो दोनों ही केस है उस केस में जो x की वैल्यूज हैं वो सेम है राइट right? तो बेसिकली यहाँ पर चूंकि पी क्यू इज पैरल टू वाई एक्सेस देअर फोर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू राइट क्योंकि ये भी इसका भी जो डिस्टेंस होगा Q का P का भी उतना ही डिस्टेंस होगा तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा तो उस केस में जैसे ही एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो गया ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो तो हमारे पास क्या बचेगा रूट ओवर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अब इधर होल स्क्वायर है इधर रूट ओवर है तो ये क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन करेक्ट तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अब ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट दूसरा पार्ट क्या कह रहा है दूसरा पार्ट कह रहा है कि पी क्यू इज पैरल टू एक्स एक्सिस ठीक है तो मतलब अब इस केस में जो पी क्यू की पोजीशन है अब मैं दोबारा से नहीं बना रही हूँ एक्स वाई मान लेते हैं कि ये है मेरा पी क्यू ठीक है तो पी क्यू की पोजीशन कुछ ऐसे है तो ऐसे केस में क्या होगा जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों का सेम होगा राइट क्योंकि जो ये होगा ना वाई कोऑर्डिनेट वो तो दोनों के लिए सेम है करेक्ट तो इस केस में क्या होगा जब पी क्यू इज पैरल टू एक्स एक्सिसन इज इक्वल टू वाई टू हो जाएगा राइट सो so जो देू की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा रूट ओवर स्क्र प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि वाई वन इज इक्वल टू वाई टू तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है चलो आगे बढ़े तो बच्चों समझते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन होता क्या है स्लोप ऑफ अ लाइन को हम ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन भी कहते हैं और स्लोप डिपेंड करता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ठीक है अब चूंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम हर चीज को कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मान लेते हैं कि एक लाइन है वो लाइन कितना इंक्लाइंड है किसके रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो बताता है हमें स्लोप ठीक है एक एग्जाम्पल लेंगे तो मान लेते हैं कि ये एक लाइन है ठीक है ये जो चीज है ये आपको एक लाइन के जैसे दिख रही होगी ठीक है ये एक लाइन है ठीक है यहां पर अगर हम देखें और मान लेते हैं कि ये क्या है ये मेरा हॉरिजोंटल एक्स एक्सिस है ठीक है तो ये जो एंगल है ये एंगल बताता है कि ये लाइन कितना इंक्लाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस ठीक है तो अगर मान लो ये इस, ये कम स्टीप है तो इस, ये इसकी एंगल है थीटा अगर मान लो ये बहुत स्टीप हो तो क्या होगा जो थीटा है वो भी मेरा चेंज हो रहा है राइट तो जैसे जैसे इसकी मैं इंक्लिनेशन चेंज करूँगी वैसे वैसे क्या चेंज होगा थीटा चेंज होगा तो बेसिकली ये जो एंगल है ये लाइन जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है वो एंगल हमें बताता है इसका इंक्लिनेशन और हमें स्लोप कौन बताता है टैन थीटा टैन ऑफ दिस थीटा गिव्स अ स्लोप तो अगर हम बात करें एक हॉरिजोंटल लाइन की मान लेते हैं तो हॉरिजोंटल लाइन कुछ यू होगा ऐसे लेटा हुआ एक्सिस के ऊपर थीटा की वैल्यू क्या है डिग्री राइट right? तो इस केस में स्लोप क्या होगा टैन ऑफ जीरो स्लोप भी जीरो होगा अगर हम बात करें एक वर्टिकल लाइन की तो वर्टिकल लाइन कुछ ऐसे होगा तो वर्टिकल लाइन कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ नाइनटी डिग्री टैन ऑफ नाइनटी डिग्री इज नॉट डिफाइंड तो वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप इज नॉट डिफाइंड तो ये तो था स्लोप अब अगला सवाल कि भाई स्लोप हम डिटरमाइन कैसे करते हैं आप सोचोगे कि अच्छा अभी तो मैम ने बताया tan थीटा से वो तो ठीक है लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पढ़ रहे हैं राइट तो अगर मान लो आपके पास एक लाइन दी हुई हो और बता दिया गया हो कि भाई ये लाइन जो है वो इन दो पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही है या इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और उन दोनों पॉइंट्स का आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और पूछा जाए कि भाई इस लाइन का स्लोप निकालो अब क्या करोगे क्योंकि थीटा तो दिया हुआ ही नहीं है तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रहा है जिनके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू तो इस लाइन का स्लोप जो है जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल बाई वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट से ही डायरेक्टली इसका स्लोप निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक और जरूरी बात है कि स्लोप ऑफ अ लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट इज द सेम यानी कि अगर मान लो मैं इस लाइन की बात करती हूं तो इस लाइन का जो स्लोप है ना चाहे मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लूं या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लूं या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लूं चाहे मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में इसका स्लोप निकालूं स्लोप सेम ही रहेगा क्यों क्योंकि जो लाइन है ना इस लाइन की इंक्लिनेशन तो इतनी ही है चाहे यहां के दो पॉइंट की बात करूं कि यहाँ के दो पॉइंट की बात करूं हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बना रहा है वो तो सेम ही है लेकिन जहां मैंने इसकी एंगल के साथ खिलवाड़ किया वैसे ही मेरी स्लोप की वैल्यू चेंज हो गई लेकिन इस केस में भी इस लाइन के ऊपर like करने वाले किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप सेम ही आएगा अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं, जो कि वर्टिकल नहीं है नॉन वर्टिकल क्यों नॉन वर्टिकल ही क्यों भाई क्योंकि अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा राइट right? तो इसीलिए बात करते हैं नॉन वर्टिकल लाइन की तो मान लो ये एक लाइन है ये एक दूसरा लाइन है तो अगर ये दो लाइन्स पैरल है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि इनका स्लोप जो है वो इक्वल है क्यों दोनों पैरल है भाई तो दोनों जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं वो सेम ही होना पड़ेगा देखो अगर मान लो मैं, चलो मान लेते हैं कि नहीं हम मैं नहीं मानती कि भाई दोनों सेम एंगल बनाएंगे चलो ठीक है मत मानो मान लेते हैं कि ये जो है इतना एंगल बना रहा है और दूसरे की एंगल मैंने चेंज कर दी तो क्या ये दोनों पैरल रहेगा नहीं रहेगा तो दोनों को पैरल होने के लिए इट इज मस्ट कि दोनों ही जो है एक्स एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाए तो इसीलिए दोनों का स्लोप सेम होना पड़ेगा अब इसी तरह से बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और यहां पर भी हम क्या बात कर रहे हैं टू नॉन वर्टिकल लाइंस हम थोड़े से ना वर्टिकल लाइन से दूरी रहते हैं स्लोप के बारे में जब बात करते हैं तो ठीक है तो दो नॉन वर्टिकल लाइन्स अगर है और अगर वो परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि उनके जो स्लोप्स हैं दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर रेसिप्रोकल तो सबको पता है राइट right? मतलब जो भी नंबर दिया है उसका वन बाई कर दो जैसे कि टू का रेसिप्रोकल वन बाई टू फाइव का रेसिप्रोकल वन बाई फाइव तो एम का रेसिप्रोकल वन बाई एम और यहाँ पे इन दोनों का जो स्लोप है दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर यानी कि अगर एक का स्लोप एम वन है दूसरे का स्लोप एम टू है तो एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन और कैसे चलो देखते हैं भाई कहाँ से ले आए हैं हम इस रिलेशन को चलो इसको प्रूव करते हैं फटाफट से ठीक है तो ये हमारे पास दो लाइंस हैं जो दो ब्लू कलर की लाइंस बनी हुई हैं वो हमें साफ साफ दिख रही हैं ठीक है ठीके? और इनकी जो वाई एक्स एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लीनेशन है वो क्या है अल्फा और बीटा ठीक है तो अगर मुझे इन दोनों लाइंस की स्लोप निकालनी हो तो क्या हो जाएगी लेटर सपोज कि ये वाली जो एल वन लाइन है इसका स्लोप है एम वन ठीक है और जो L2 टू लाइन है इसका स्लोप है M2 ठीक है तो स्लोप M1 क्या हो जाएगा tan अल्फा और जो स्लोप M2 है वो क्या हो जाएगा tan बीटा ठीक है यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि ये जो इंक्लिनेशन हम लेते हैं ना वो हमेशा हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेते हैं और हमेशा जो है हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं क्योंकि जब भी हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं हम उसे पॉजिटिव में लेते हैं राइट तो जस्ट टू फॉलो वन सेम कन्वेंशन हम हमेशा इसे एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से ठीक है चलो बढ़िया ये हो गया अब जो है हम फोकस करते हैं इस वाले ट्राइंगल में देखो यहाँ पर जो है ना एक ट्राएंगल बन रहा है अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है ठीक है इस पॉइंट को लेटर सपोज मैंने मान लिया कि ये B है एंड लेटेस्ट से कि ये वाला पॉइंट जो है ये C है ठीक है मैंने ये अज्यूम किया लेट्स से ठीक है तो अगर ऐसा है तो ये क्या है ये एक ट्राएंगल है अब हम देख रहे हैं कि ये दो परपेंडिकुलर लाइन्स है तो ये नाइन्टी डिग्री है तो इधर वाला भी नाइन्टी डिग्री होगा है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अब इस ट्राएंगल के अंदर देखो अगर इस ट्राएंगल ए बी सी पर तुम फोकस करो तो तुम्हें क्या दिखेगा तुम्हें ये दिखेगा कि ये जो बीटा है ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये वाला 90 डिग्री और अल्फा जो है ये इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं अब ट्रायंगल की ये एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये हमने पढ़ा था थ्योरम जूनियर क्लासेस में ज्योमेट्री में है ना तो ये हमें पता है ये हम लिख सकते हैं तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ एल्फा प्लस नाइंटी डिग्री ठीक है अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री याद करो टैन नाइन्टी प्लस थीटा क्या होगा जब भी नाइनटी प्लस थीटा की बात आती है तो टैन बन जाता है कॉट है ना भाई तो हो जाएगा ये कॉट एल्फा टेन नाइंटी प्लस थीटा कॉट थीटा होता है और साइन क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव अब 90 प्लस थीटा है मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा याद करो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सॉरी नॉट कोऑर्डिनेट ये मेरे तीन क्वाड्रेंट्स होते थे, थे ट्रिग्नोमेट्री में और हम क्या कहते थे ऑल साइन टैन कॉस याद है एड शुगर टू कॉफी ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है तो अगर मैं टैन एल्फा प्लस 90 डिग्री बोल रही हूँ तो बेसिकली मैं 90 प्लस समथिंग बोल रही हूँ तो मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूं तो यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होता है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा प्लस नाइन्टी हो जाएगा माइनस क्वाट एल्फा ठीक है अब माइनस क्वाट एल्फा को हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन बाई टेन एल्फा है, है? बढ़िया है अब टेन बीटा इंटू टेन एल्फा को हम लिख सकते हैं माइनस वन टेन बीटा और टेन एल्फा क्या है एम वन एम टू तो हम लिख सकते हैं एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन और ये कर दिया हमने इसे प्रूफ ठीक है तो सबको समझ आ गई बात कि क्यों दो परपेंडिकुलर लाइंस के जो स्लोप्स होते हैं उनका प्रोडक्ट माइनस वन होता है ट्राई करते क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी जीरो माइनस फोर एंड बी एट कॉमा जीरो ठीक है स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है हमें और हम अगर हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हो जिससे वो लाइन पास कर रहा है तो हम उसे निकाल सकते हैं तो एक पॉइंट तो है ओरिजिन इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जीरो जीरो और दूसरा पॉइंट क्या है मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन तो यानी कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा ये मिड पॉइंट ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करना है ठीक है तो हमारा पहला स्टेप है टू फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ पी बी कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ पीबी इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मिड पॉइंट है तो इनका एवरेज लेंगे जो लाइन तो, तो, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है स्लोप निकालना है एक ऐसे लाइन का जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस पॉइंट से पास हो रहा है राइट सो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन है ना तो यहां पर ये वैल्यू जो है ये है एक्स टू वाई टू की वैल्यू और ये वैल्यू जो है ये है एक्स वन वाई वन की वैल्यू तो बस करना क्या है पुट करो वैल्यू तो ये आ जाएगी माइनस टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाई फोर माइनस जीरो ये हो जाएगा माइनस टू बाई फोर विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू तो ये हो जाएगा स्लोप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूट एक्स कॉमा माइनस वन टू कॉमा वन फोर कॉमा फाइव आर कोलिनियर कोलिनियर मतलब जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं तो हम उसे कोलिनियर कहते हैं तीनों जब एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं ठीक है तो अब देखो सिंपल सी बातें मान लेते हैं कि ये ए है ये बी है ये सी है हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ना इनके नाम दे देते हैं थोड़ा इजी रहता है समझने में ठीक है तो मान लेते हैं कि ए है बी है और सी है और हमको बताना है कि ये जो है ना ये बताना नहीं है बेसिकली क्वेश्चन बता रहा है कि ये कोलिनियर है तो अगर ये कोलिनियर है तो एक्स की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ठीक है तो अगर ये इस तरह से कोलिनियर है इसका मतलब है हमने एक चीज पढ़ा था राइट कि कोई भी लाइन का जो स्लोप होता है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच में सेम होता है क्योंकि पूरे लाइन का एक ही स्लोप होता है तो हम कह सकते हैं कि इस केस में ए बी का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू बी सी का स्लोप राइट नॉट जस्ट बी सी तब ए बी का जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू ए सी का स्लोप दैट इज इक्वल टू बी सी का स्लोप Right? क्योंकि ये सारे जो है वो सेम ही लाइन के दो पॉइंट्स हैं तो इस लाइन के किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप हमेशा बराबर होगा है ना तो स्लोप ऑफ ए बी हम कैसे निकालेंगे तो देखो इनके तो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो जैसे ए की कोऑर्डिनेट्स दी हुई है एक्स माइनस वन बी का है टू वन और सी का है फोर फाइव है ना तो अभी फोकस किस पे करेंगे सिर्फ ए बी इतने पे फोकस करेंगे तो इतने पे फोकस करेंगे तो एक्स वन वाई वन हो जाएगा ए बी का हो जाएगा x2y2 तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन अब जब बी सी का निकालना है तो हम सिर्फ बी सी पे फोकस करेंगे ठीक है ये वाले पार्ट पे तो यहाँ पर एक फोर फाइव और एक्स वन और x1y1 हो जाएगा टू वन तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव माइनस वन दैट इज वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है अब इसमें क्या है इसमें कुछ करना ही नहीं है इसमें बस कैलकुलेट करो टू बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर बाई टू तो x की वैल्यू आ जाएगी वन अच्छा बाटी थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके कुछ कॉन्फिडेंस आया आया ही होगा आई एम श्योर sure. चलो आगे बढ़ते हैं फिर तो हम ऐसा देखते हैं कि, कि किसी भी प्लेन में अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो उन दो लाइन्स के साथ दो ही चीजें हो सकती है एक तो ये हो सकता है कि वो जो दो लाइन्स हैं वो पैरल है ठीक है दूसरा हो सकता है कि वो इंटरसेक्टिंग है ठीक है अच्छा अब अगर दोनों पैरेलल हैं उस केस में क्या होगा उनके स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे लेकिन अगर दोनों पैरेलल नहीं है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जाके वो इंटरसेक्ट तो करेंगे तो इस केस में जब दो लाइंस कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करते हैं उस केस में अगर मैं पूछूं कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे तो देखो यहां पर एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं तो मेरे हाथ में है ये दो पेन ठीक है और हम हाँ मान लेते हैं कि ये दो लाइंस हैं जो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है दिख रहा होगा सबको या तो ये दोनों जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है तो अब मान लेते हैं अगर इन दोनों लाइंस के बीच में यहां पर अगर एक एक्यूट एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम ठीक है तो जाहिर सी बात है कि इसका बगल वाला जो एंगल होगा ना यानी कि इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में ये वाला जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल होगा ये होगा ऑबट्यूज एंगल क्यों बहुत लॉजिकल है क्योंकि ये क्या है ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये पूरा वन एटी डिग्री होगा अगर ये एंगल नाइन्टी से कम है तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल नाइन्टी से ज्यादा होगा ना तो अगर मैं इन दोनों लाइन्स के बीच में पूछूँ कि, कि कितना एंगल बनेगा तो आपके पास दो ऑप्शन होगा एक होगा ये वाला एक्यूट एंगल क्योंकि ये एक्यूट एंगल भी दो लाइन के बीच में बन रहा है और ये ऑप्टूज एंगल भी इन दोनों लाइन्स के बीच में ही बन रहा है राइट right? मतलब इसको अगर फोकस करो तो ये एंगल है यूं घुमा दो तो ये एंगल है जो दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है करेक्ट तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं और उनके बीच के एंगल की बात करते हैं तो आप देखोगे कि हम एक एक्यूट एंगल की बात करते हैं एक ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं तो वो ये कॉन्सेप्ट था तो जो एक्यूट एंगल होगा उसे हम कैसे निकालते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू जहाँ पर एम वन और एम टू जो है वो इन दोनों लाइन्स के स्लोप हैं तो देखो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है अगर मुझे इन दोनों लाइन्स का स्लोप पता है या फिर अगर मुझे इन दोनों लाइंस के जो दो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पता है तो भी हम दोनों के बीच एंगल्स के निकाल सकते हैं क्यों क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं अगर स्लोप पता चल गया दोनों लाइन का बस हो गया सारा मामला सुलझ गया Slopes पता है तो हम सीधा सीधा टैन थीटा की वैल्यू निकाल के थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये जो थीटा है ये कौन सा वाला एंगल है ये है एक्यूट एंगल ठीक है और ये मॉड है मतलब जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी नाउ अब आप पूछोगे कि अच्छा मैम अगर मुझे ये ऑप्टिवज एंगल निकालना हो तो तो क्या ये तो बहुत सिंपल है ना अगर आपने ये एक्यूट एंगल निकाल लिया भाई तो ये ऑब्टिज एंगल क्या होगा डिग्री माइनस एंगल क्योंकि ये क्या है ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर ये एंगल आपको पता है तो ऑप्टिज एंगल होगा वन डिग्री माइनस एक्यूट एंगल तो जनरली एज अ कन्वेंशन जो है इस एक्यूट एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं और जो ऑप्टिज एंगल है उसे डिनोट करते हैं फाइव से वैसे थीटा फाइव का इतना कुछ खास रोल है नहीं बट मैंने इसलिए बता दिया ताकि जब आप क्वेश्चन uh, सॉल्व करो या फिर बुक से पढ़ो या जब फॉर्मूले uh, देखो तब आप कंफ्यूज ना हो ठीक है तो क्लियर हो गया ये कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हम कैसे निकालते हैं देख लो भाई ये बहुत जरूरी है और इसके ऊपर बेस्ड हम काफी सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं अभी ट्राई करते हैं क्वेश्चन द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनादर लाइन इफ टेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दम इज 1 बाई थ्री फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ठीक है क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है तो मान लेते हैं कि एक लाइन का स्लोप एम है तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा टू एम ठीक है अच्छा हमने क्या पढ़ा है दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है कैसे हम डिफाइन करते हैं उसे तो जनरली बाय डिफॉल्ट अभी हम की बात कर रहे हैं तो टैन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू यही होता है टेन थीटा अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो tangent of the angle between them है है मतलब ये दिया हुआ है. तो डालते हैं ना फिर वन बाई थ्री एम टू की वैल्यू क्या है टू एम एम वन की वैल्यू है एम तो ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा वन बाई वन प्लस टू एम है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाई थ्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम डिवाइडेड बाई वन प्लस टू एम स्क्वायर यहां तक तो बहुत सिंपल था ठीक है अब यहाँ पे क्या करना है एक मिस्टेक जो बहुत से बच्चे करते हैं वो अचानक से भूल जाते हैं कि यहाँ पे मॉड है ठीक है और इसको भूल के वो इसे कैलकुलेट कर देते हैं और एम की वैल्यू निकाल देते हैं उस केस में जो है आपका आंसर पार्शियली करेक्ट होता है क्यों क्योंकि हम मॉड को भूल तोड़ ही सकते हैं जब मॉड है तो है अगर मॉड है इसका मतलब है कि इसका जो आउटपुट वैल्यू निकलना है दैट हैज टू बी पॉजिटिव लेकिन अंदर जो भी है अभी फिलहाल मॉड के अंदर वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है राइट तो इसीलिए यहां पर हम लेंगे दो केसेस ठीक है तो एक होगा हमारा केस वन और दूसरा होगा हमारा केस टू केस वन में हम कहेंगे कि एम बाई वन प्लस टू एम स्क्वायर इज पॉजिटिव ये वाला हमारा हो जाएगा केस वन और केस टू हमारा क्या हो जाएगा कि जब एम बाई वन प्लस टू एम स्क्वायेर इज नेगेटिव देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप ये मत सोचो कि यार ये नेगेटिव कैसे हो सकता है मैम मॉड है तो पॉजिटिव आएगा मॉड है इसीलिए जो इसका आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव ही आएगा बट अभी फिलहाल अंदर जो है दैट इज अ वेरिएबल हमें पता नहीं एम की वैल्यू क्या है एम की वैल्यू अगर मान लो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मॉड के अंदर अगर टू रहे तब भी मुझे टू मिलेगा आंसर मॉड के अंदर अगर माइनस टू रहे तब भी मुझे आंसर क्या मिलेगा प्लस टू मिलेगा तो इसका मतलब मॉड के अंदर वाला जो वैल्यू है वो प्लस टू भी हो सकता है वो माइनस टू भी हो सकता है राइट right? तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम मॉड के अंदर की जो ये वैल्यू है ना इसकी बात कर रहे हैं

क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओगे तो फाइनली हमें एक इस तरह का इक्वेशन मिलेगा टू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये क्या है ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व कर सकते हैं माइनस थ्री एम को हम लिख सकते हैं माइनस टू एम माइनस एम इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू टू एम ठीक है तो ये हो जाएगा टू एम इन टू एम माइनस वन माइनस वन एम माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो यहां से हमें क्या मिलेगा टू एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो बेसिकली यहां से m की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है m इज इक्वल टू वन हो सकती है और m इज इक्वल टू वन बाई टू हो सकती है <coughs> तो जब m की वैल्यू वन होगी तो टू एम क्या हो जाएगा टू जब m की वैल्यू हाफ होगी तो टू एम क्या हो जाएगा वन ठीक है ना तो ये जो है दोनों स्लोप्स की ये दो पॉसिबल वैल्यूज है केस वन में ठीक है ना अब बात करेंगे case two की तो case two में हम कह रहे हैं कि ये negative है तो उस case में हम लिखेंगे ठीक है तो इस केस में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके और वो होगा टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन ठीक है इसे भी मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा टू एम इंटू एम प्लस वन इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा टू एम प्लस वन इंटू एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं दो एक तो m इज इक्वल टू माइनस वन हो सकता है और दूसरा m इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू हो सकता है तो जब m इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू होगा तो टू एम क्या हो जाएगा माइनस टू सॉरी माइनस वन है ना जब m इज इक्वल टू माइनस वन होगा तो टू एम हो जाएगा माइनस टू तो इस केस टू में भी m और टू एम की ये दो पॉसिबल वैल्यूज होगी ठीक है तो सबको क्लियर हो गया कि यहां पर जो स्लोप्स ऑफ़ द लाइन्स हैं उसके ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं तो सबको सही जा रहा है अभी तक बढ़िया अब और आगे बढ़ते हैं अब एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं दो चार दस पचास सौ एक्चुअली इनफाइनाइट क्योंकि जो एक लाइन बनती है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ठीक है थीके? लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से पॉइंट्स वो वाले हैं जो उस लाइन में लाई करते हैं और कौन से पॉइंट्स ऐसे वाले हैं जो उस लाइन में लाई नहीं करते हैं मतलब आ, कुछ यू समझ लो कि जैसे मान लो आप सेंट मैरी स्कूल में पढ़ते हो ठीक है और मान लेते हैं कि सेंट मैरी स्कूल में कुछ हजार बच्चे पढ़ते हैं तो क्या प्रूफ है कि कौन से बच्चे सेंट मैरी स्कूल के स्टूडेंट हैं और कौन से बच्चे सेंट मेरीज के स्टूडेंट नहीं हैं

तो बेसिकली हम एक ऐसा कंडीशन बनाते हैं उस कंडीशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो उस लाइन में लाई करते हैं और जो पॉइंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे वो उस लाइन में लाई नहीं करते हैं तो इसी कंडीशन को या इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन ठीक है तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन का बढ़िया तो अब हम क्या करने वाले हैं अब हम करने ये वाले हैं कि अलग अलग सिचुएशन में मान लो कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि लाइन का हमें स्लोप पता है कभी ऐसी सिचुएशन हो कि मुझे जो है वो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स पता हो कभी ऐसा हो सकता है कि हमें उसका एक्स इंटरसेप्ट पता है राइट तो अलग अलग सिचुएशन में हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन को किस तरीके से लिखते हैं वही अब हम देखने वाले हैं ठीक है थीके? तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है तो इसीलिए पूरा का पूरा ध्यान देके बाकी का पूरा वीडियो देखना है अच्छे से तो चलो देखते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल केसेस से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन की कैसे लिखते हैं हम इन लाइंस के इक्वेशंस तो जब कभी भी हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है कुछ राइट right? तो चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इस तरह के लाइंस की वाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है वाई वैल्यू कांस्टेंट, और यही जो है इसका इक्वेशन बन जाता है फॉर so y वाई इज इक्वल टू constant लेट से जैसे इस केस में वाई की वैल्यू क्या है इस लाइन के हर एक पॉइंट के लिए वाई इज इक्वल टू थ्री है सो वाई इज इक्वल टू थ्री इज द इक्वेशन फॉर line तो so, अगर इन जनरल की बात करें तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इक्वेशन होगा दैट इज ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू ए जहां पर ए इज अंस्टेंट ठीक है अब यहां पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई जो लाइन है ना वो यहां पर है नेगेटिव एक्सिस पे है तो इस केस में जो y की वैल्यू है वो क्या है माइनस थ्री है करेक्ट तो इस केस में क्या हो जाएगा अगर ये नेगेटिव एक्सिस पे हम बात करें तो वाई इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा जस्ट दैट चूंकि वर्टिकल लाइन है तो इसीलिए ये किसके पैरल होगा ये पैरल होगा वाई एक्सिस के y एक्सिस के पैरल है तो इस लाइन में लाई करने वाले हर एक पॉइंट के लिए कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कांस्टेंट है राइट right? जैसे इस केस में इस लाइन में लाई करने वाले हर एक पॉइंट के लिए एक्स इज इक्वल टू थ्री है एंड दिस बिकम्स द इक्वेशन तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है तो जनरल फॉर्म में ये क्या हो जाता है एक्स इज इक्वल टू ए तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए जब हम वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू ए अगला आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक लाइन दिया हुआ है, कोई भी लाइन रैंडमली लेट्स से एक इस तरह की लाइन दी हुई है और हमें पता है कि इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट है P लेट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स नॉट नॉट एंड दिस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन ये एक फिक्स्ड पॉइंट है इस लाइन पे ठीक है एंड लेटर सपोज कि पी एक ऐसा आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द लाइन इस लाइन का कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो ये मेरी गिवन कंडीशन है मुझे इतनी ही चीजें पता है और मुझे इसका स्लोप निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं स्लोप हमें ऑलरेडी पता है राइट right? कि स्लोप हम कैसे निकालते हैं एक तरीके से भले ही एक फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरा कोई भी रैंडम एक पॉइंट है बट एंड ऑफ द डे क्या है ये लाइन जो है ये इन दो पॉइंट से पास हो रहा है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन उसी लॉजिक से निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट ठीक है एंड दिस बिकम्स द इक्वेजन ऑफ द लाइन यही बन जाता है इस लाइन का इक्वेशन इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इन एक्स माइनस एक्स नॉट मतलब उसी चीज़ को घुमा के लिखने वाली बात है तो इसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट स्लोप क्यों क्योंकि देखो इसमें हम स्लोप कैसे निकाल रहे हैं पॉइंट्स के हेल्प से अगर हमें पॉइंट्स पता है तो हम इनका स्लोप निकाल पा रहे हैं इसीलिए इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म इनफैक्ट इसी तरह से आप इसे याद रख सकते हो कि कौन सा वाला कौन सा फॉर्म है अब बात करते हैं टू पॉइंट फॉर्म की नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा लाइन दिया हुआ होगा जो दो पॉइंट से पास हो रहा है लेट अस सपोज एक पॉइंट है पी दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है लेट्स एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ठीक है ये अगर हमारे पास एक गिवन कंडीशन है तो इस केस में हम इस लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे देखो पिछले वाले केस से से पॉइंट स्लोप फॉर्म ये अलग है पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या था कि एक पॉइंट हमारे पास गिवन था और स्लोप हमारे पास गिवन था तो उस केस में हम हम किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए वो वाला इक्वेशन लिख सकते थे इस केस में क्या है स्लोप हमारे पास गिवन नहीं है तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स खाली गिवन है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं स्लोप गिवन तो नहीं है बट स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है अच्छा अब जो है कोई भी एक जनरल पॉइंट हम लेते हैं लाइन पे क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हो राइट right? कि इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं लाइन की वो किसी भी एक जनरल पॉइंट के लिए हम उस इक्वेशन को लिखते हैं ताकि जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्या इस लाइन में लाइक करता है तो हम क्या करेंगे उस जनरल पॉइंट की जगह उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन में डाल के देखेंगे अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो यस yes, वो उस पॉइंट लाइन में लाइक करता है ये हमारा लॉजिक है। तो फिर यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेटर सपोज पी एक्स वाई, नहीं, नहीं, वाई जो है लेटर सपोज ये एक जनरल पॉइंट है इस लाइन पे ठीक है तो चूंकि लेट से आर जो है वो यहां कहीं लाइक करता है तो हमें साफ साफ एक चीज दिख रहा है कि पी क्यू आर जो है ये क्या है ये कोलिनियर है क्योंकि ये सभी जो है एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर है कि नहीं एक लाइन के किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्लोप बराबर होता है देखो वही सिंपल सिंपल से लॉजिक है जो हमें काम आ रहे हैं अब स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ पी क्यू इज बेसिकली वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन है ना और स्लोप ऑफ पी आर क्या हो जाएगा तो बेसिकली ये यही वाला स्लोप है जो हमने यहाँ पे यूज किया स्लोप इस लाइन का है ना अच्छा अब स्लोप ऑफ पी आर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन तो इसे हम क्या लिख सकते हैं वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 x और ये हो जाएगा हमारा equation ऑफ द लाइन तो कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है उसके अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाला ये जनरल पॉइंट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के लिए तो हम यूज इक्वेशन को बना रहे हैं राइट और देखो यहाँ पर इस एक्स और वाई के अलावा कौन कौन सी चीजें हमने यूज की है ये जो दो गिवन पॉइंट्स थे पी और क्यू इनके कोऑर्डिनेट्स को हमने यूज किया है है ना तो इस तरीके से हमें मिल गया ये टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन अब बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है काफी जगह इसको हम यूज भी करेंगे आगे ठीक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब हमारे पास गिवन क्या है स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है और उस लाइन का इंटरसेप्ट ऑन वन ऑफ द एक्सेस गिवन है मतलब तो या तो उसका एक्स इंटरसेप्ट गिवन है या फिर उसका वाई इंटरसेप्ट गिवन है ठीक है तो इसमें हम दो केसेस की बात करेंगे ठीक है तो पहला केस हम बात करते हैं जिसके अंदर मेरे पास दिया हुआ है स्लोप एम और मेरे पास वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो लेटर सपोज वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है सी ठीक है वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ मतलब कि लेट सपोज लाइन कुछ इस तरह से है ठीक है ना तो इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है और जिस पॉइंट पे ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट ठीक है ना तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली मेरा वाई इंटरसेप्ट है और इसकी वैल्यू है सी यानी कि इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो है राइट right? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इसके लिए जीरो है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी सी ठीक है इसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट तो लेटर सपोज पहले सिनेरियो में हम इस केस को लेते हैं ठीक है तो ऐसे केस में जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है कई जगह आपने देखा होगा और आगे भी कई जगह आप देखते रहोगे ठीक है तो अब आप पूछोगे कि यार ये आया कहाँ से आया एक्चुअली ये वही सेम कॉन्सेप्ट से अगर आपको याद हो स्लोप हम कैसे निकालते थे स्लोप हम निकालते थे मान लेते हैं कि कोई भी एक जनरल पॉइंट है हमारा कोई जनरल पॉइंट मान लिया P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई ठीक है ना तो अब अगर मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है तो हमें क्या पता है कि ये लाइन एक तो ये पॉइंट P से क्रॉस हो रही है और एक इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है तो स्लोप क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन अब इसी को ही जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखा कितना आसान था तो मतलब अगर लाइन का स्लोप निकालना आता है ना तो आप किसी भी फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो ठीक है ये क्लियर है अब इसी में हम ना थोड़े से इस डायग्राम को घुमा फिरा के देखेंगे कि कभी अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है तब क्या होगा अब मान लो एक ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर मेरे पास दिया हुआ है स्लोप स्लोप मुझे पता है और मेरे पास दिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ नहीं है लेकिन एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है डी एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ जिस पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है फॉर so एग्जांपल अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये है इसका एक्स एक्स इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट पॉइंट ठीक है तो इस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे X की वैल्यू क्या हो जाएगी डी मतलब इन जनरल बात कर रही हूं मैं अभी ठीक है तो डी और वाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो तो ये हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ठीक है ना तो इस केस में अगर मुझे इक्वेशन लिखना हो तो मेरा इक्वेशन कैसा आएगा अच्छा वन सेकंड यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ किया यहाँ पे ये d नहीं है ये -d है राइट क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पे है है ना तो इस केस में जो मेरा x इंटरसेप्ट होगा वो minus -d होगा लेकिन वहीं अगर मान लो मेरे पास कोई लाइन ऐसी होती लेट्स से इस तरह का कोई लाइन होता तो उस केस में जो मेरा x इंटरसेप्ट होता वो ये वाला पॉइंट होता तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है d, 0 ठीक है सो डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव एक्स में है कि नेगेटिव एक्स में है तो प्लस डी या माइनस डी का फर्क आ जाएगा ठीक है तो इक्वेशन कैसा होगा मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा होगा जब मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ मतलब ये माइनस डी वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ तो उस केस में इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी और जब मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूं तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी अब आप कहोगे कि मैम ऐसा क्यों इधर तो d पॉजिटिव था बट इक्वेशन में देखो d के पहले नेगेटिव साइन है अरे वो इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन आ कहाँ से रहा है आ तो वही स्लोप वाले लॉजिक से रहा है तो अगर मैं इस वाले लाइन की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा ये क्योंकि P तो मेरा वही वाला पॉइंट है ना कोई भी जनरल पॉइंट तो अगर मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी हो और मुझे पता है लाइन जो है ये P से पार हो रहा है और ये वाले पॉइंट से पार हो रहा है तो क्या हो जाएगा लाइन का स्लोप इसका स्लोप हो जाएगा y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन है ना तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस डी हो जा रहा है तो एज अ रिजल्ट इस केस में जो इक्वेशन हमें मिलता है वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी ठीक है और ठीक उसी तरह से जब हम इस केस की बात करते हैं तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा अगर हम एज्यूम करते हैं कि यहां पर कोई एक जनरल पॉइंट पी है तो स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन तो यहां पर जो डी की वैल्यू है वो नेगेटिव ही रह जाती है ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इंटरसेप्ट का ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा जब हमने एक्स इंटरसेप्ट की बात की तो मैंने पॉजिटिव एक्सेस नेगेटिव एक्सेस का बात किया वाई इंटरसेप्ट के केस में बात नहीं किया बट वाई इंटरसेप्ट के केस में भी वही चीज होगी जो हमने एग्जांपल लिया है दैट इज व्हेन द वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव यही जब वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा चेंजेस तो आएंगी तब वो हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी ठीक है तो इसको मैंने डायग्राम देके इसीलिए समझाया ताकि इंटरसेप्ट कहाँ पे है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना कोई आपको डिराइव करने नहीं बोलेगा बट क्वेश्चन में ग्राफ को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि y इंटरसेप्ट दिया हुआ है या x इंटरसेप्ट दिया हुआ है पॉजिटिव इंटरसेप्ट है कि या नेगेटिव इंटरसेप्ट है इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जब हम y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब हम x इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है मतलब दोनों की पॉजिटिव वाली आपको याद रहनी चाहिए तो ये जैसे पॉजिटिव इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और पॉजिटिव x इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी ठीक है सबको क्लियर है चलो आगे बढ़ें अब हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसके अंदर एक लाइन है और हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है कि हमें सिर्फ इसके इंटरसेप्ट पता है हमें इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पता है तो अस सपोज ऐसा कुछ हो कि हमें पता है कि भाई एक्स इंटरसेप्ट जो है दैट इज एंड वाई इंटरसेप्ट जो है दैट इज बी इसका क्या मतलब है ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे जो एक्स इंटरसेप्ट है दैट इज ए वाई की वैल्यू तो जीरो होगी उसी तरह इस पॉइंट पे वाई की जो वैल्यू है दैट इज बी ठीक है ये हमें गिवन है और अब मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है तो हम वही एज्यूम करेंगे कि लेटर सपोज इस लाइन में कोई एक जनरल पॉइंट लाई करता है पी एक्स कॉमा वाई तो इस केस में मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी फॉर्म देखते हैं जो कि है नॉर्मल फॉर्म इसको हम यूज बहुत ज्यादा तो नहीं करते हैं बट स्टिल गिवेन क्या होता है इस केस में गिवेन होता है कि, let, तो कि यहाँ पर एक लाइन है इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर गिवन होता है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ओरिजिन से अगर इस लाइन पे हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं उसका लेंथ हमें दिया हुआ होता है इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म क्योंकि जो नॉर्मल है ना जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ हमें पता होती है है ठीक अच्छा और हमें क्या पता होता है और हमें पता होता है द एंगल दैट दिस नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि ये वाले एंगल की वैल्यू हमें पता होती है तो लेट अस सपोज इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से तो ये पी और ओमेगा हमें पता होता है और उसके बेसिस पे हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो एज यूज़ुअल हम एज्यूम करेंगे कि इस लाइन पे कोई एक जनरल पॉइंट है लेट से पी एक्स कॉमा वाई ठीक है तो ऐसे केस में जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा वो हो जाएगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी मतलब जो भी पॉइंट्स हैं जो इस लाइन में लाई करते हैं उन्हें इस इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई करना होगा तभी वो इस लाइन पर लाई कर रहे होंगे ठीक है अब देखो इसके ना बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं जैसे यहां पर तो मैंने ये वाली लाइन बनाई अगर मान लो मेरी जो लाइन है वो ऐसी बनी होती तो जब भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूं ना अलग अलग, अलग पेन से तो मतलब मैं नेक्स्ट सिनेरियो की बात कर रही हूँ राइट right? तो पहला सिनेरियो था ये ग्रीन वाला डायग्राम दूसरा सिनेरियो ले रही हूं मान लो मेरी लाइन कुछ ऐसी है तो यहां पर नॉर्मल क्या हो जाएगा जो ओरिजिन से इस लाइन पे हम बना रहे हैं परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा पी और यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी ढंग से बताना है ओमेगा क्या होता है जो एंगल ये एक्स एक्सिस से बना रहा है अब देखो यहाँ पे जो मेजर डाउट आता है वो ये है कि वो तो ये एंगल है नहीं मैंने पहले ही बोला है जब भी एंगल मेजर करते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन जाते हैं जस्ट टू फॉलो द सेम कन्वेंशन फॉर ऑल द केसेस तो इस केस में जो मेरी ओमेगा की वैल्यू होगी वो ये वाली एंगल होगी ठीक है तो इस केस में पी पता है ओमेगा पता है तो आप आराम से अपना इक्वेजन ऑफ द लाइन लिख सकते हो ठीक है क्लियर हो गया तो चलो भाई देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन पासिंग थ्रू जीरो विथ स्लोप एम तो यहां पर गिवन क्या क्या है स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो लाइन पास हो रहा है तो मतलब यहां पर हमारे पास स्लोप दिया हुआ है और एक इंटरसेप्ट दिया हुआ है करेक्ट तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम यहां पे यूज कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है तो यहां पर m तो m ही है और सी की वैल्यू क्या है जीरो है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन अगला क्वेश्चन देखते हैं find the equation of the line which satisfies the given conditions intersecting the y axis at a distance of 2 units from above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of the x axis ठीक है तो यहां पर ये ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है ये है y intercept राइट right? तो हमें क्या दिया हुआ है y intercept ठीक है और क्या दिया हुआ है और यह दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है अब आप सोच रहे होगी कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं अगर हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है तो इससे हम निकाल सकते हैं स्लोप राइट क्योंकि स्लोप क्या होता है टेन थीटा दैट इज टेन थर्टी डिग्री तो ये हो जाएगा वन बाई रूट थ्री तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है स्लोप और इंटरसेप्ट तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इनफैक्ट अगर आप इसका एक रफ डायग्राम बना के देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो कि लेटर सपोज ये लाइन है दिया हुआ है कि ये जो है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है थर्टी डिग्री ठीक है ना और क्या दिया हुआ है कि ये जो है y एक्सिस को कट कर रहा है टू यूनिट्स पे यानी कि इसकी वैल्यू है जीरो कॉमा टू इस पॉइंट की ठीक है अब मैंने स्लोप निकाल लिया है अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यही वाला फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है यहाँ पर ठीक है तो y इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री इंटू एक्स प्लस टू तो रूट थ्री को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट तो ये हो जाएगा रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू रूट थ्री ये हो जाएगा हमारे इस लाइन का इक्वेशन ठीक है देखो ये जो सॉल्यूशन है ना सारे छोटे छोटे हैं इसमें आपको खाली यही चैलेंज रहता है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना है कि कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है ठीक है आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट टू थ्री ठीक है तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि इट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर है ठीक है तो लेट्स यूज द इंटरसेप्ट फॉर्म यहां पर क्यों क्योंकि हमें दोनों इंटरसेप्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर है यानी कि ए इज इक्वल टू बी सो देअर फोर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू वन तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए ठीक है तो एक तरीके से ये क्या हो गया मेरा ये मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है हमको ए की वैल्यू निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में जो है ए की वैल्यू नहीं दी हुई है राइट तो हमें अब क्या करना है अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज है टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए ठीक है कैसे निकालेंगे वैल्यू देखो क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से भी पास होती है टू कॉमा थ्री तो सिंस तो अगर ये टू कॉमा थ्री से पास होती है तो टू कॉमा थ्री जो पॉइंट है दैट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ लाइन है ना सो टू कॉमा थ्री ये जो पॉइंट है शुड सेटिसफाई इक्वेशन ऑफ लाइन है ना ये तो लॉजिकल है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि टू प्लस थ्री शुड बी इक्वल टू ए देर फोर ए की वैल्यू क्या आ गई फाइव तो फिर हम क्या कह सकते हैं देयर फोर इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ तो हमने काफी सारे फॉर्मैट देखे इक्वेशन ऑफ अ लाइन के अब हम बात करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब भूल जाओ स्लोप दिया है कि इंटरसेप्ट दिया है कि कोऑर्डिनेट्स दिया है कि क्या दिया हुआ है मतलब कौन सा एक ऐसा इक्वेशन है जो एक बिल्कुल जनरल इक्वेशन है किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए और वो जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में जो कि एक लीनियर इक्वेशन है हमें दिख रहा है और यहाँ पर इस इक्वेशन का यही एक कंडीशन है कि ए और बी इन दोनों की वैल्यू एक साथ में जीरो नहीं होनी चाहिए दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है बट दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकता है तो ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन अब हम देखेंगे कि ये जो जनरल इक्वेशन है इसको हम कितने अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं इस जनरल इक्वेशन को भी हम इन सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे का मतलब है, ये y b, उससे क्या होगा उससे ये होगा कि हमको ये बीवाई से छुटकारा मिलेगा और बीवाई बन जाएगा वाई तो इससे क्या होगा पूरा इक्वेशन कुछ यू बन जाएगा ए बाई बी एक्स प्लस वाई प्लस सी बाई बी इज इक्वल टू जीरो तो फर्दर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी तो हो गया ना ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ठीक है इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था इंटरसेप्ट फॉर्म होता था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन ये वाला होता था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म अब उस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं कि लेटर्स डिवाइड बाई माइनस सी थ्रू आउट पूरे को जो है ना हम माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं उससे क्या होगा जैसे ही माइनस सी से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस वन और इस माइनस वन को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे हमें मिल जाएगा प्लस वन जो कि हमको चाहिए तो ऐसे ही सोचना है आपको कि हमें क्या चाहिए इस तरह का इक्वेशन चाहिए तो उसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहां पर ठीक है तो लेट अस डिवाइडेड बाय माइनस सी तो यह हो जाएगा ए बाई माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी बाई माइनस सी इंटू वाई इज इक्वल टू वन ठीक है इसको फर्दर एग्जैक्टली exactly इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय ये वाई है थोड़ा डिस्को स्टाइल में लिखा गया है बट कोई बात नहीं सो वाई डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू वन तो हो गया ना ये इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक है अब इसी को चाहे तो हम नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कैसे नॉर्मल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी जो कि हमारा नॉर्मल फॉर्म था जो कि मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है ठीक है ना तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की कि किस तरह से हम ये जनरल फॉर्म को हैंडल करते हैं ठीक है रिड्यूस द फॉलोइंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस तो देखो ये किस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वाले फॉर्म में है ठीक है हमें किस फॉर्म में रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन इसमें रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं हम करते हैं डिवाइड बाई माइनस सी थ्रू आउट तो यहां पर डिवाइड बाय माइनस सी सी की वैल्यू क्या है सी इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व है तो डिवाइड करेंगे माइनस सी से यानी कि डिवाइड करेंगे प्लस ट्वेल्व से थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को जो है हम ट्वेल्व से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई फोर प्लस टू वाई बाई सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बाय फोर प्लस वाई बाई सिक्स इज इक्वल टू वन तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म अब इसके इंटरसेप्ट भी निकालने हैं तो क्या हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा फोर और वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा सिक्स तो हम कह सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू फोर एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सिक्स ऑल गुड चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर टू रिड्यूस द द फॉलोइंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड एंड फाइंड देयर वाई तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे मतलब आप देख ही रहे कि हर जगह क्या है ना कुछ कुछ गिवन कंडीशन है आपको बोला जाएगा इक्वेशन लिखो ठीक है वो तो एक पैटर्न था दूसरा पैटर्न है कि जनरल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो है ना तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा वाला फॉर्म था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय बी थ्रू आउट सो डिवाइड बाय बी थ्रू आउट बी क्या है यहां पर बी की वैल्यू यहां पर है थ्री है ना क्योंकि हमें सिर्फ वाई चाहिए हमें वाई के साथ में कुछ नहीं चाहिए तो कुछ अगर है तो उसको हटा देते हैं तो पूरे इक्वेशन को थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री ठीक है तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अब हमें निकालना क्या है कि स्लोप निकालना है तो स्लोप की वैल्यू क्या है यहां पर माइनस टू और क्या निकालना है y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कितना है फाइव बाई थ्री सो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है जिसका जनरल इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट P दिया हुआ है जो उस लाइन में लाइनिंग करता है और हमें निकालना है कि उस पॉइंट P का इस लाइन से क्या डिस्टेंस है तो मान लेते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से वो D है तो इस D को हम कैसे निकालेंगे मॉड ऑफ एक्स वन प्लस वन प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अब हम ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस वन कॉमा वन फ्रॉम द लाइन ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू फाइव इंटू वाई माइनस टू ठीक है तो पॉइंट जिस पॉइंट का हमें निकालना है वो पॉइंट ये है ठीक है और किस लाइन से इसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से तो हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस हम इस तरीके से निकालते हैं मॉड ऑफ एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बेसिकली ये जो हमारा फॉर्मूला है इट वर्क्स विथ द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है इसको हम जनरल इक्वेशन में रिड्यूस कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो ट्वेल्व एक्स प्लस सेवनटी टू इज इक्वल टू फाइव वाई माइनस टेन तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव वाई प्लस सेवेंटी टू प्लस टेन यानी कि प्लस एट्टी टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से हमें क्या मिलता है ए की वैल्यू है ट्वेल्व बी की वैल्यू है माइनस फाइव और सी की वैल्यू है एट्टी टू ये हमारे वैल्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ठीक है तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा अच्छा एक्स वन और वाई वन की वैल्यू क्या है ये वाली पॉइंट है ये एक्स वन वाई वन है ना तो चलो अब सारे वैल्यूज डालते हैं ए एक्स वन यानी कि ट्वेल्व इंटू माइनस वन प्लस बी वाई वन यानी कि माइनस फाइव इंटू वन प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट ओवर ट्वेल्व स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का होल स्क्वायर तो इसको आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हो और फाइनली आप देखोगे कि आपका रिजल्ट आएगा फाइव यूनिट्स क्यों क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है कि भाई मीटर्स है सेंटीमीटर है क्या है तो हम कहते हैं कि चूंकि डिस्टेंस है तो कुछ ना तो कुछ यूनिट तो होगा ही तो इसीलिए हम इन जनरल लिख रहे हैं कि फाइव यूनिट्स होगा इसका डिस्टेंस ठीक है तो बच्चों करते करते हम लोग आ पहुंचे हैं लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक पे ठीक है तो अगर मान लो आपके पास दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं और दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है लेट्स से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यानी कि एक का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन दूसरा का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू दोनों में m है क्यों क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है तो इनका स्लोप इक्वल होगा एग्जैक्टली exactly. बट अब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा तो आप कैसे निकालोगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइंस इज गिवन बाय मॉड ऑफ c1 वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर इसी सिचुएशन का एक दूसरा पहलू हो सकता है कि मान लो आपको ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशंस नहीं दी हुई हैं बल्कि जनरल फॉर्म में दिया हुआ है यानी कि ये जो दोनों लाइंस की इक्वेशंस हैं वो कुछ इस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो अब आप देख रहे हो कि सिर्फ सी सी की वैल्यूज में फर्क है बाकी सारी वैल्यूज सेम है क्यों क्योंकि स्लोप बराबर होता है राइट पैरल लाइन्स का तो इस केस में आप किस तरह से निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स हो जाएगा मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू डिडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वा प्लस बी स्क् तो चलो इस कॉन्सेप्ट भी देखे कुछ क्वेश्चन हालांकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन को समझ के आप उसको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके और फटाफट से आंसर निकाल सकते हो तो इस लेसन का एक आखिरी क्वेश्चन वो देखते हैं क्या है फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस रूट थ्री एक्स प्लस टू वन एंड एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू वन ठीक है तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का हमने एक फॉर्मूला तो देखा था उस केस में हमें चाहिए क्या था कि अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं और अगर इन दोनों लाइन्स का हमें स्लोप पता हो ठीक है मान लो इनके स्लोप्स अगर हैं m1 और m2 तो उस केस में इन दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल होता है दैट इज गिवन बाय m2 टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इस लॉजिक से हम निकालते थे एंगल है ना तो उसी लॉजिक से यहां भी निकाल लेते हैं बट आप बोलोगे कि यार यहाँ स्लोप तो दिया हुआ नहीं है लेकिन लाइन की इक्वेशन तो दी हुई है हम एक काम करेंगे कि इन दोनों लाइन के इक्वेशन को हम लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ठीक है दोनों इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम फटाफट -फड़ से उसमें से स्लोप निकाल पाएंगे देखो पहले वाले को हम क्या लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो इससे हमें क्या पता चला कि एम वन जो है दैट इज माइनस रूट थ्री तो चलो एक एम वन तो निकल गया एक स्लोप तो निकल गया दूसरे वाले में हम क्या लिख सकते हैं रूट थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन अब हमको y के साथ कुछ नहीं चाहिए तो रूट थ्री से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय रूट थ्री एक्स प्लस वन बाय रूट थ्री तो यहाँ से हमें क्या पता चला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है माइनस वन बाय रूट थ्री तो हमें दोनों स्लोप्स मिल गए है ना तो अब हम tan थीटा निकाल सकते हैं आराम से सो so, टेंटा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस वन बाय रूट थ्री माइनस माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन प्लस माइनस रूट थ्री इन टू माइनस वन बाई रूट थ्री ठीक है तो ये रूट रूट थ्री थ्री कैंसल हो जाएगा तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा वन बाई रूट थ्री तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं टेन थर्टी डिग्री सो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री देर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री जो तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल होगा 30 डिग्री तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो ऑन स्ट्रेट लाइंस? तो इसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस पूरे वीडियो को आप देख चुके हो और इसके बाद आप खुद से एन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करोगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिकतर क्वेश्चंस इनफैक्ट हो सकता है सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व भी कर लोगे ठीक है मैं अपनी तरफ से इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं एन के एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चन चूज करके स्पेशली जो टफ वाले क्वेश्चन है कुछ ट्विस्टेड है कुछ अलग से क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करूंगी आपके लिए ठीक है तो वीडियो को देखते रहो प्रैक्टिस करते रहो और मैथ्स को बनाते रहो सुपर स्ट्रांग मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय